हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एम एस हुसैन, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। हम इससे पहले जो जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे थे उससे आगे आज हम लोग स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने दो क्लास इससे पहले कर चुका है, आज उससे आगे हम लोग तीसरा क्लास करेंगे, जिसमें लिविंग वर्ल्ड का प्रोसेस कैसे होता है उसकी टोटल एक्टिविटी के बारे में हमने बताया था। अब जो एक्टिविटी मैंने बताया था उसमें सेलुलर एक्टिविटी से स्टार्ट हुआ था, जिसमें पहले ही हम लोग तीन एक्टिविटीज पढ़ चुके थे। आज चौथा एक्टिविटीज हम लोग शुरू करेंगे। तो हमारा चौथा एक्टिविटीज में क्या है, चौथा पॉइंट इसमें का रिप्रोडक्शन, क्योंकि इससे पहले हम लोग सेलुलर एक्टिविटीज, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ पढ़ चुके हैं। तो अब अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बता दें कि रिप्रोडक्शन जो है, मैंने लिविंग वर्ल्ड इसलिए चूज किया कि इसमें है क्या कि हमारा बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो जाता है 11th और 12th से। लिविंग वर्ल्ड के अंदर स्टडी करने से बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि सेलुलर एक्टिविटीज, तो सेल एक चैप्टर है, मेटाबॉलिक क्लियर हो जाता है, फिर रिप्रोडक्शन इस तरीके से ये चैप्टर है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट एक चैप्टर है आपके 11th के अंदर। तो ये सारे टॉपिक क्लियर होते जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट किया। और रिप्रोडक्शन जो 12th के अंदर आता है वो भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो हमारा चौथा एक्टिविटी क्या है, रिप्रोडक्शन। उससे पहले मैं एक और बात आपको बता दूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वीडियो पर डे अपडेट करवाना चाह रहे हैं, पर डे का हमारा वीडियो चाह रहे हैं, देखना लेना चाह रहे हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एक दूसरे को शेयर करें, जिससे होगा क्या कि पर डे आपको वीडियो न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। तो हमारा आज का एक्टिविटीज़ क्या है, रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी कि जब लिविंग है तो वो तो न्यू जनरेशन करेगा, क्योंकि जब लिविंग है तो उसके अंदर न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होगा। तो ये न्यू जनरेशन होने के लिए हम लोग को रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज स्टडी करना होता है। तो रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज में हम लोग को पढ़ना क्या है कि कैसे इंडिविजुअल्स जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल टर्म By which an organism gives rise young swan similar to itself। या ये भी बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिमिलर काइंड, अपने जैसा एक न्यू इंडिविजुअल्स का जन्म देता है। सिमिलर के मतलब क्या हो गया कि स्ट्रक्चर होना। अब ये नहीं कि सिमिलर के मतलब ये हो गया कि मम्मी पापा गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे हो जाएंगे, या मम्मी पापा काले हैं तो बच्चे भी काले हो जाएंगे। सिमिलर का मतलब होता क्या है कि स्ट्रक्चर सेम होना, एक्टिविटी सेम होना, फंक्शन सेम होना, बल्कि ये नहीं कि हाँ गोरे और काले होना। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये रिप्रोडक्शन पॉइंट है। अब रिप्रोडक्शन जो है दो ग्रुप में बांट दिए जाते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल क्या हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब क्या हो गया, सिंगल पेरेंट, जो बिना गैमेट को फॉर्मेशन किए हुए न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म दे देता है। और सेक्सुअल क्या होता है, तो ये बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल का मतलब क्या हो गया, मोर देन वन पेरेंट, यानी कि दो पेरेंट्स होना चाहिए, मेल और फीमेल इसके अंदर दोनों होना चाहिए। अब उसमें क्या होगा, ये बाई पेरेंटल का मतलब हो गया क्या, दो पेरेंट मेल और फीमेल, और वो करेंगे क्या, तो गैमेट के फॉर्मेशन करेंगे। कैसे गैमेट के फॉर्मेशन करेंगे, तो उनके अंदर सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन होना। तो मेल के अंदर मेल गैमेट और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट। मेल के अंदर जो गैमेट फॉर्म होगा उसको हम लोग स्पर्म बोलेंगे, और फीमेल के अंदर जो गैमेट फॉर्म होगा उसको हम लोग एग बोलेंगे। ये मेल और फीमेल। उसके बाद इसका अगला प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन वगैरह, जिसको हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ते हैं, तो वो हम लोग को आगे टॉपिक में पढ़ना है। आज हम लोग आते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि इट इज द कैरेक्टर, क्या कह रहा है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, क्योंकि जितने भी लिविंग है सबके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए कह रहा जा रहा है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। उसके बाद क्या कह रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सिमिलर। मैंने अभी बताया ना कि सिमिलर, उसके जैसा, ये नहीं कि गोरा और काला। स्ट्रक्चर सिमिलर, फंक्शन सिमिलर। ओके, उसके आगे क्या कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर काइंड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, जिसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है। उसके बाद क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन ये कोई जरूरी नहीं है
कि वो सर्वाइवल इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग करता है, वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो उसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उसमें बहुत सारा अब ए सेक्सुअल हो गया तो सिंगल हो गया, सेक्सुअल हो गया तो बाईपेरेंटल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि द रिप्रोडक्शन इज ऑफ द टू टाइप्स, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप्स के होते हैं, जो हमने नीचे इंडिकेट किया है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया, तो मैंने क्या कहा सिंगल पेरेंटल यानी कि यूनिपेरेंटल, और सेक्सुअल में क्या हो गया तो बाई पेरेंटल। तो ए सेक्सुअल में क्या कह रहा है कि इट इज यूनिपेरेंटल द न्यू इंडिविजुअल, यानी कि यह क्या है यूनिपेरेंटल है। उसके बाद क्या कर रहा है, द न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल पेरेंट, यानी कि इसके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, किसका तो सिंगल पेरेंट का, यानी कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा, जैसे बाइनरी फ्यूजन हुआ तो अमीबा हो गया, तो उसके बॉडी से वो कैसे फ्यूजन होते हैं, वो बाइनरी फ्यूजन के अकॉर्डिंग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और उसके अलावा क्या हो सकते हैं तो रीजेनरेशन। ये चारों पांचों तरीके से होता क्या है एसेक्सुअल के अंदर रिप्रोडक्शन होना, क्योंकि वो सिंगल पेरेंटल होगा और खुद से ही फॉर्मेशन करेगा, हो सकता है कि वो टूट करके भी न्यू ऑर्गेनिजम्स बना दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पेरेंटल। उसके बाद आता है क्या, एग्जाम्पल में हमने यहाँ लिख भी दिया है कि सिंगल पेरेंट्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि बिना गैमेट्स के फ्यूजन के ही ऐसा प्रोसेस ये करने लगता है। उसके बाद क्या कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकॉर्स बाई स्पोर्स फॉर्मेशन, मैंने बोला। दूसरा क्या हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन। तीसरा हो रहा है मल्टीपल फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। ये सब प्रोसेस होते हैं किसके अंदर, एसेक्सुअल के अंदर। अब इसमें हम लोग एक छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन हम लोग इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अलग ग्रुप में बांट लेते हैं, जिसके वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा में स्टडी करने का चांस मिल जाता है, इसलिए माइक्रो प्रोपेगेशन को हम लोग यहाँ नहीं डालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आप लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला पॉइंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अभी मैंने बताया कि बाई पेरेंट, ये बाई पेरेंटल के मतलब क्या हो गया दो, इसमें क्या हो गया यूनिपेरेंटल यानी कि सिंगल, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें नेसेसरी है कि गैमेट का फॉर्मेशन होना ही है। कैसे, तो इट इज बाई पेरेंटल इन विच द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट का फ्यूजन होगा, अकॉर ड्यू टू विच द जाइगोट इज फॉर्म, यानी कि पहले गैमेट का फ्यूजन होगा उसके बाद जाइगोट फॉर्म होते हैं। तो ये होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ये जो है जनरली कहाँ होते हैं, तो एनिमल्स में होते हैं, ह्यूमन और एनिमल्स में होते हैं। ये हो गया आप लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आता है कि लिविंग वर्ल्ड जो है उसके अंदर कंसीवियसनेस होना जरूरी है। अब कंसीवियसनेस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इसके हिंदी नहीं जान रहे होंगे, तो हिंदी इसका होता है चेतना, यानी कि कंसीवियसनेस का मतलब अगर किसी को हिंदी प्रॉब्लम भी हो तो इसका चेतना होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो ये उसका, अब देखिए यहाँ तक मैंने बताया, उससे पहले मैं बहुत सारे बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होता है इस टॉपिक में जानने उनने के लिए, तो मैंने किया क्या है, अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे डाल दिया है, या कॉल करके भी हमसे टाइम लेकर के स्टडी कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे, और व्हाट्सअप नंबर भी मैंने डाल दिया, उस पर भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन रिप्लाई तुरंत किया जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें हमारी वीडियो को बेतिया से भी देख रहे होंगे, तो बेतिया वाले बच्चे के लिए ये ऑफर है कि बेतिया में पता कर लेंगे डीपीएस कैंपस और संतोष इंस्टीट्यूट ऑफ सॉल्यूशन, और वहाँ पे आकर के डायरेक्टली हमसे स्टडी कर भी सकते हैं, बट अभी नहीं, लॉकडाउन के बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक स्टडी कर लिया, उसके बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे किसी के बारे में, कंसीवियसनेस के बारे में। कंसीवियसनेस का मतलब होता क्या है कि जो भी मान लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्टिम्यूली होते हैं उसके थ्रू वर्क करना, जैसे स्टिम्यूली एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, स्किन के थ्रू हो गया, या नोज के थ्रू हो गया, या ईयर के थ्रू हो गया, या आइज के थ्रू हो गया, ये सब एक्सटर्नल स्टिम्यूली में होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे अभी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिस्पॉन्स देना कैसे, ईयर के थ्रू, आवाज़ को सुन करके या आहट को सुन करके वर्क करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं
जो स्मेलिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स करते हैं। तो उस तरीके से जैसे डॉग की बात की जाए तो अपना फूड लेने से पहले हमेशा करते क्या है, पहले उसको सूंघने वाला काम करते हैं, यानी कि उसका स्मेल कैसा है, खाने लायक है या नहीं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। तो वही हो गया क्या, एक्सटर्नल स्टिम्यूली, बहुत सारे अपना टंग के थ्रू रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्टिम्यूली। जो कंसिवेसनेस होता है, ये एक ऐसा अवेयरनेस है जो भी रिस्पॉन्स देना होता है तो अपने एक्सटर्नल स्टिम्यूली के थ्रू देंगे। जैसे क्या कह रहे हैं कि कंसिवेसनेस के बारे में, तो इट इज द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिम्यूली, यानी कि उसके अगल बगल में जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी एक्टिविटी होते हैं, वो एक्सटर्नल स्टिम्यूली के थ्रू रिस्पॉन्स देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, द स्टिम्यूली मे बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, यानी कि ये तीनों हो सकता है। फिजिकल, जैसे हम हाथ का काम है लिखना, या तो ये फिजिकल एक्टिविटीज में आ गया, पैर का काम है दौड़ना चलना, फिजिकल एक्टिविटीज में आ गया। उसी तरह केमिकल, मेडिसिन लेना, मान लेते हैं ह्यूमन के कोई स्किन वगैरह पे कोई डिजीज हो गए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्यूब वगैरह लगा करके उसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो एक्सटर्नल स्किन के थ्रू हो गया। इसी तरीका से नोज अपना अलग वर्क करता है, स्किन अपना अलग वर्क करता है। तो वही क्या कर रहा है कि ये जो होता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, तीनों हो सकते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, द हायर एनिमल्स ऑब्टेन द स्टिम्यूली थ्रू, अभी मैंने बोला ना स्किन वगैरह के थ्रू, तो वही क्या कर रहा है, जो हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे हायर एनिमल्स में ह्यूमन आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी आते हैं, तो वही क्या कर रहा है, द हायर एनिमल्स ऑब्टेन द स्टिम्यूली थ्रू स्किन, ईयर, नोज, टंग, यानी कि ये सब के थ्रू अपना रिस्पॉन्स करते हैं। कंसिवेसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कह रहा है कि कंसिवेसनेस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, ये रिस्पॉन्स करने वाला प्रॉपर्टी है, तो ये कहा जा सकता है कि कंसिवेसनेस नहीं होता है तो ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्स करने में इम्पॉसिबल है, यानी कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या कर रहा है कि इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला जाता है। डिफाइनिंग का मतलब क्या हुआ, ये डिफाइन कर रहा है कि क्या है, डिफाइन कर, जैसे मान लेते हैं कि हम कोई खाने वाली चीज लेते हैं फूड, तो उसको हम लोग पहले सूंघने वाला यानी कि स्मेलिंग कैपेबिलिटी तब ना बताते हैं कि ये क्या है, या टंग से अगर टेस्ट करेंगे तब ना टेस्ट की बात बताएंगे कि हाँ बेटर है, सावर है, साल्ट है, इस तरीके से, या स्वीट है। तो क्या हुआ, यानी कि वो रिस्पॉन्स देना हुआ, इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला जाता है, ताकि ये बाद में कंसिवेसनेस के थ्रू रिस्पॉन्स दे करके बताता है कि इसके अंदर ये प्रोसेस है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। तब देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक स्पेशल अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा बॉडी बना हुआ है तो ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे सेल से बन गया, टिश्यू से बन गया, टिश्यू सिस्टम, और उससे क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि बॉडी का कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऑर्गेनाइजेशन में कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैव प्रॉपर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास प्रॉपर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, सच एज द सेल कंबाइंडली मेक्स द टिश्यू, यानी कि सेल मिल करके टिश्यू को बनाते हैं। उसके बाद टिश्यू क्या कर रहा है, ऑर्गन बना रहा है, और ऑर्गन क्या कर रहा है, उसके बाद ये कंप्लीटली एक बॉडी को फॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन, जो लिविंग वगैरह टोटली लिविंग के अंदर होता है। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं बच्चे, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर जो है एनर्जी का काम होता है, क्योंकि एनर्जी लेना और एनर्जी देना, अब एनर्जी सोर्स उनका कहाँ से है, कैसे एनर्जी लेते हैं। जैसे मान लेते हैं फूड लेंगे तो उनको एनर्जी मिलेगा, फूड नहीं लेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एनर्जी तो उसके अंदर होगा, बहुत सारे क्या फूड के थ्रू एनर्जी लेते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन के थ्रू भी अपना एनर्जी लेते हैं और रिलीज भी करते हैं। तो उस तरीका से है क्या कि हम लोग को उसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एनर्जी भी जरूरी है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, एनर्जी। अगला पॉइंट एनर्जी होगा, जिसके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, जो इसका 7 नंबर पॉइंट है,
ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल.